बिहार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक तो कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर खूब दावे हो रहे हैं, अब तो मंत्री बनने को लेकर भी दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह इस रेस में आगे आई हैं। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का कहना है कि उनके पास 23 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो पंचायत स्तर से सदन तक पहुंची हैं। दम नहीं चाहिए, हम महिलाएं जो हैं आधी आबादी के मालिक जी, कांग्रेस पार्टी 19 MLA अभी हैं, उसमें हम दो महिलाएं, दो पुरुष मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उस हिसाब से इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी को भी एक महिला को मंत्रिमंडल में जरूर शामिल करना चाहिए। क्या लगता है कि अगर एकदम मिलनी चाहिए, हम महिलाएं जो हैं। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप। स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बिहार में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरीके से हमलावर हुए थे उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार जी अब आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, तभी इस तरीके की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी मानसिक डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं, इसलिए वह अनगन बात करते हैं और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिमागी डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं, वो याददाश्त अपना भूल खो देते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में नहीं, वो किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और वो अब जो है किसी को पहचानने में भी वो उनको दिक्कत हो रही है, उनकी याददाश्त तो कमजोर हो ही गया है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को अन्यथा नहीं लिया जाए। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिमागी डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं, वो याददाश्त अपना भूल खो देते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में नहीं, वो किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और वो अब जो है किसी को पहचानने में भी वो उनको दिक्कत हो रही है, उनकी याददाश्त तो कमजोर हो ही गया है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को अन्यथा नहीं लिया जाए।